उनका बहुत पुराना गाना है, अंगे अंगे देहिया टूटा था मकई के अलावा जिसे फूटा था, इसी पर इसी पे वहाँ पे प्रोग्राम की खेसारी लाल के सामने क्या कुछ बोले? बोले कि बहुत अच्छा डांस करती हो और आगे यदि मेरा कोई मूवी या मेरा कोई एल्बम आया तो मैं उसमें तुम्हें भी मौका दूंगा। उस टाइम तो एकदम प्रसन्न होगी कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात हमें बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी महसूस हुआ। अच्छा, नर्वस नहीं हुई? उतने बड़े स्टार हैं उनके पास जब गई सामने मिले, नर्वस बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं कि कैसे अब इतने बड़े स्टार से बातचीत कर, कैसे हौसला जुटा पाई? देखिए वो हौसला मुझे अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन और भैया को देख के होती है मुझे ऐसा कि हाँ उन्हीं लोगों से मुझे हौसला बढ़ता है। और पब्लिक जो मुझे देखते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उससे और भी ज़्यादा हौसला मतलब मुझे मिलता है और मेरा जड़ मजबूत होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही मैं सोच के मैं उनसे बात कर पाई, वहाँ पर जा पाई। मुझे स्टाइल मारने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओ हीरो थोड़ा कम स्टाइल मारो, क्योंकि एक फाइट मारूंगी तो जाके गोरखपुर में गिरोगे। रुको जरा, थोड़ा धीरे मारना, मुझे तंगुही रोड में कुछ काम है। फिर क्या, मैं कौन से असली तरीके का वीडियो बनाती हूँ या मेरे असली तरीके के गाने होते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कपड़े भी मैं अच्छे भरपूर में पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कि असली गाने असली पे बनाते हैं, वो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाए जो असली बनाती हैं, जो भरपूर कपड़े में बनाती हैं उनका कोई बात नहीं है। दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। फेमस कॉमेडियन कहे जाने वाले मनी मिराज के टीम में जा रही हो, तो भाई हम लोग सोचे कि धूप हो चाहे जो भी हो चले, रजनी से हाल चाल पूछे भाई, आने वाले समय की स्टार होने जा रही है, तो आ गए आपके पास। कब कब से प्रोग्राम, कब से तुम्हारा वहाँ पे शुरू होने वाला है वीडियो? जी अभी तो अभी सेटअप बैठाया जा रहा है और जिस दिन होगा मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। आज एक बार फिर हमारे साथ इंस्टाग्राम की वायरल रजनी आज हमारे साथ है, मनी मिराज के साथ जल्द काम करने जा रही है, खेसारी लाल से मिल चुकी है और काफ़ी प्रसन्न है। आज इससे मिलेंगे और जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी बहुत कुछ बातें। बहुत बहुत स्वागत है रजनी। आपका भी राधे राधे और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं उनको भी राधे राधे। चलो अब ये बताओ कि खबर मिला है सूत्रों के हवाले से कि तुम अब मनी मिराज के साथ काम करने जा रही हो, तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें बहुत बहुत बधाई है। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना बधाई दे रहे हैं और इतने धूप में आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। भाई अब बिहार की सबसे फेमस कॉमेडियन कहे जाने वाले मनी मिराज के टीम में जा रही हो, तो भाई हम लोग सोचे कि धूप हो चाहे जो भी हो चले, रजनी से हाल चाल पूछे भाई, आने वाले समय की स्टार होने जा रही है, तो आ गए आपके पास। कब कब से प्रोग्राम, कब से तुम्हारा वहाँ पे शुरू होने वाला है वीडियो? जी अभी तो अभी सेटअप बैठाया जा रहा है और जिस दिन होगा मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। जी बिल्कुल। रील्स देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि कॉमेडी में जाने के बाद रील्स बनाना भूल जाओ, जो दर्शक तुम्हें रील्स से पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं रील्स बंद करूंगी। जब मैं रील्स से ही मुझे पब्लिक पहचानी है तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं इसी में बनाऊंगी। जी अच्छा, आजकल बायकॉट भी हो रहा है रील्स स्टारों का। जी खबर तो मिला ही होगा। जी फिर क्या, मैं कौन से असली तरीके का वीडियो बनाती हूँ या मेरे असली तरीके के गाने होते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कपड़े भी मैं अच्छे भरपूर में पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कि असली गाने असली पे बनाते हैं, वो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाए जो असली बनाती हैं, जो भरपूर कपड़े में बनाती हैं उनका कोई बात नहीं है। खेसारी लाल से कब मिली? छपरा में मिली थी, अभी 2-3 मंथ हो ही गए। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो कह रहे थे कि खेसारी लाल के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं, अब जब मुलाकात हुआ उस टाइम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी फील हुआ। और कौन से गाने पे वहाँ पे प्रोग्राम की? उनका बहुत पुराना गाना है, अंगे अंगे देहिया टूटा था मकई के अलावा जिसे फूटा था, इसी पे वहाँ पे प्रोग्राम की खेसारी लाल के सामने क्या कुछ बोले? बोले कि बहुत अच्छा डांस करती हो और आगे यदि मेरा कोई मूवी या मेरा कोई एल्बम आया तो मैं उसमें तुम्हें भी मौका दूंगा। उस टाइम तो एकदम प्रसन्न होगी कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात हमें बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत खुशी महसूस हुआ। अच्छा, नर्वस नहीं हुई? उतने बड़े स्टार हैं उनके पास जब गई सामने मिले, नर्वस बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं कि कैसे अब इतने बड़े स्टार से बातचीत कर, कैसे हौसला जुटा पाई?
देखिए वो हौसला मुझे अपनी मम्मी पापा अपने भाई बहन और भैया को देख के होती है मुझे ऐसा कि हाँ उन्हीं लोग से मुझे हौसला बढ़ता है और पब्लिक जो मुझे देखते हैं अच्छे कमेंट करते हैं लाइक करते हैं सपोर्ट करते हैं उससे और भी ज़्यादा हौसला मतलब मुझे मिलता है और मेरा जड़ मजबूत होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वही मैं सोच के मैं उनसे बात कर पाई वहाँ पर जा पाई जी बिल्कुल। अच्छा तुम्हारे वीडियोज़ में बहुत सारे आस पड़ोस के लोग कमेंट भी करते हैं कि रजनी रील्स बना रही है इस तरह से कर रही है, अब जब इतना नाम ज़्यादा शोहरत अब तुम्हें मिलने जा रहा है तब उन लोगों का अब क्या रिएक्शन है? देखिए अब कोई आगे बढ़ जाता है तो जैसे कि अभी पैसा पास नहीं होता तो रिश्ते तो खैर टूट जाते हैं उस टाइम तो कोई नहीं आता है, लेकिन जब दो पैसा पास होता है तो सारे रिश्ते बोलते हैं कि हाँ ये मेरी बहन है वो मेरी भतीजी है ये मेरी ये है वो है, सारे लोग बोलने लगते हैं। बहुत तरीक़ों का ये होता है लेकिन उस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी सिर्फ 5 फैमिली है, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन। अच्छा अब जब कॉलेज जाती हो या कोचिंग जाती हो तब तो चर्चे होते हैं कि भाई रील्स स्टार भोजपुरी एक्ट्रेस रजनी आ रही है तो जोरदार स्वागत होना चाहिए, सीट आगे देते होंगे, हर बात पे रजनी रजनी करके पूछते होंगे, वाहवाही तो खूब हो रही है। अब देखिए जो भी मेरे ट्यूशन मेरे स्कूल जो भी हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे जितने भी फैन फॉलोइंग हैं या मेरी फ्रेंड सब हैं टीचर सब हैं उन लोग का पूरा फुल सपोर्ट है मेरे ऊपर जी। गाना भी गाती हो? बोरिंग पे वीडियोज़ देखे जाते हैं कि जहाँ पानी चलता है वहाँ चली जाती हो, पीछे जेसीबी लगा है उस पर चढ़ जाती हो उस पर वीडियोज़ बनाने लगती हो, कैसे कर लेती हो ये? बस पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए मैं उस पर चढ़ी थी और मुझे क्या पता कि मैं जेसीबी पे चढ़ के रील्स बनाऊंगी तो पब्लिक मुझे उसी पे ज़्यादा सपोर्ट करेगी उसी पे प्यार करेगी वायरल कर देगी, मुझे तो नहीं पता था ना, मैंने तो बस यही सोचा कि हाँ कभी तो कभी मुझे पब्लिक अपनी नज़र में लेगी मेरे को भी जैसे दूसरों को प्यार देते वैसे देगी, मैंने बस यही सोच के जेसीबी पे चढ़ा और रील्स बनाया पब्लिक को पसंद आ गया। डर नहीं लगा कि उतना ऊँचा जेसीबी पे चढ़ रही हूँ कहीं गिर गिर गई तो? नहीं नहीं उतना डर नहीं लगा लेकिन हल्का फुल्का लगा चढ़ते हुए, वो मेरी बहन चढ़ा दी मुझे। बहन चढ़ा दी चढ़ गई तुम? हाँ गिरती तो तुम ना? गिरती तो गिरती कोई बात नहीं लेकिन गिरी तो नहीं ना, भगवान का लाख लाख शुक्र कि मैं नहीं गिरी। अच्छा रील्स भी काफी वायरल हुआ था जी बिल्कुल। अच्छा आगे का प्लान अब क्या है, अब कॉमेडी की तरफ जाना है या भोजपुरी की तरफ? देखिए अभी हम दोनों में से कोई चूज नहीं किए हैं और जिसमें मुझे मौका मिला मैं उसमें जाऊंगी। मतलब दो तरह से ऑफर तुम्हें मिल चुके हैं, एक मनी मिराज कॉमेडी के टीम से और भोजपुरी की तरफ से भी ऑफर आ ही रहा है, एल्बम्स मिल रहा है कि नहीं अभी? जी मिल रहा है। कब? अभी छोटू शिकारी के साथ भी एक मेरा एल्बम होने वाला है रंगदार, वो बनाते हैं रंगदार गाने पर तो उन अभी एक दो हफ्ते में उनका उसका भी शूट होने वाला है क्योंकि वो सब सेटअप वो सब लोकेशन चूज किया जा रहा है, सेटअप बैठाया जा रहा है, वो भी कुछ दिन में आप लोग के सामने आएगा। गाना भी बहुत अच्छा गाती हो, तो कुछ गाना भी जाते जाते हम चाहेंगे कुछ दर्शकों को सुना दो, शायरी अगर कुछ आता है तो वो भी सुना सकती हो। दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा मैं तेरे दिल की रानी। बहुत खूबसूरत गाना, गाना बहुत तगड़ा तगड़ा गाती है, जितना गाना अगर गवाना है गवा लीजिए, खाना जितना स्वादिष्ट बनवाना है वो भी बनाती है, रील्स भी बनाती है, बहुत मुस्कुराती भी है और आने वाले समय का भोजपुरी का अभिनेत्री होने वाली है, और क्या बताओगी रजनी? और बस आप लोग का प्यार सपोर्ट। अच्छा बाकी जो दोस्त यार हैं ऐसा तो नहीं कि स्टार जब हो जाओ तो भूल जाओ? नहीं नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं अपने फ्रेंड को भूल जाऊं, ऐसा तो भले वो भूल जाए वो मंजूर है लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। अच्छा सूत्र के हवाले से ये भी खबर मिलता है कि तुम्हारी सफलता के पीछे तुम्हारी बहन का बहुत हाथ रहता है। हाँ मेरी बहन तो आगे अगर कभी तुम चली जाओ बहन को छोड़ दो फिर बहन का क्या होगा? कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, खुद वादा छोड़ दूंगी लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगी। वादा है? हाँ। अरे वाह, मतलब हर पल हर चीज़ का गाइड तुम्हें करती रहती है, ऐसे वीडियोस बनाने हैं ऐसे शूट्स पहनने हैं। जब डांस का स्टेप नहीं आता है तो वो बताती है, और जैसे जब गाना गाना हो तो कौन से राग में कौन से सुर में गाना है, जो गाना गाना होता है तो मैं गाती हूँ लेकिन जो नहीं आता है तो मुझे वही बताती है। वो मम्मी भी मेरी गाना गाती है तो मम्मी भी बताती है ये भी बताती है दोनों ही बताती हैं। चलो
और अंत में जाते जाते कुछ शायरी वगैरह कुछ याद है तो सुना दो अंत में जाते जाते। शायरी नहीं, कॉमेडी याद है, मतलब जैसे कि वो मेरे वॉइस में ही है, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट की हूँ। मैं और मेरे भैया और कुछ फ्रेंड्स सब हैं, उनके साथ ये रील्स बना है। मुझे स्टाइल मारने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओए हीरो, थोड़ा कम स्टाइल मारो, क्योंकि एक फाइट मारूंगी तो जाके गोरखपुर में गिरोगे। रुको जरा, थोड़ा धीरे मारना, मुझे तंगुही रोड में कुछ काम है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो हमें पता नहीं था कि इतना बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग बोलती हो। एक दो और डायलॉग हो जाए, अब लग रहा है कि मनी महाराज के टीम में वाकई में तुम एकदम जा पाओगी। सुनाओ एक और डायलॉग। अरे भाई, चाकू है क्या? है ना, तो दो ना। मैंने चाकू लिया, फिर दुकानदार को बोला, निकालो 2000 रुपये, निकालो जल्दी। तो उसने मुझे 2000 रुपये दिया और मैंने निकल पड़ा। तो ये रजनी है हमारे साथ और काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है, रील्स बनाती है, रील्स के जरिए वायरल है। और अब इन्हें कॉमेडी मनी मिराज की टीम की तरफ से ऑफर भी मिल चुका है, जल्द उनके साथ ये काम करती हुई नज़र आने वाली है। और पूरे बिहार में जिस तरह से मनी मिराज छाए हुए हैं, अब रजनी भी उनके साथ छाने वाली है। उनके साथ कई सारे गाने भी आने वाले हैं और एक तरफ भोजपुरी से भी ऑफर मिलने वाला है। खेसारी लाल यादव ने भी वादा किया है कि हम तुम्हें जल्द मौका देंगे अपने साथ किसी गाने में। तो अब तो रजनी स्टार हो गई है और हम सबकी शुभकामनाएं इसके साथ है कि ये ऐसे ही अपने जीवन में बेहतर करे। बाकी रजनी के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अंत में जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे ही मुझे चाहिए और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट मेरे पे बनाए रहे। और इनके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।